नमस्कार किसान भाइयों, मैं शिवम राव राष्ट्रीय बीज निगम पूर्णिया से आज आपको धान की एक बहुत ही अच्छी किस्म जिसको आप लोग रंजीत के नाम से जानते हैं इसके बारे में बताने आया हूँ। राष्ट्रीय बीज निगम की रंजीत वैरायटी ये भारत सरकार द्वारा डेवलप की गई क्षेत्रीय कृषि केंद्र करीमगंज असम द्वारा विकसित 1994 की वैरायटी है जो किसानों के बीच बेहद प्रचलित है और मुख्यतः उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है जहाँ पर बाढ़ की समस्या होती है या निचली भूमियाँ होती है जहाँ पर लंबे समय तक पानी का जमाव बना रहता है। ऐसे क्षेत्रों में हमारी रंजीत वैरायटी ये किसानों द्वारा बेहद लोकप्रिय वैरायटी हमारे इधर उपलब्ध है। मैं इसकी उसके बारे में बता दूँ, इसकी विशेषताओं के बारे में बता दूँ तो यह वैरायटी जो है ये 20 से 25 दिन तक पूरी तरह से डूबे रहने के बावजूद भी अपनी अच्छी पैदावार देती है। इसके नोड्यूल्स जो हैं जब पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं उसके बाद भी ये किले बढ़ के पानी के बाहर आते हैं, यानी ग्रोथ करती है और पानी के बाहर आकर अपने आप को जो है सर्वाइव करती है। अगर इसकी उपज की बात करें तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इसकी उपज जो है वो 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सामान्य स्थिति में इसकी उपज 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है या गिरने के प्रति भी अवरोधी वैरायटी है। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे यहाँ रंजीत वैरायटी जो है ये 6 किलो में उपलब्ध है और इसके साथ साथ 25 किलो में भी जूट की जो बोरी है वहाँ पर उस पर भी उपलब्ध है और ये हमारी वैरायटी जो है बहुत ही सस्ती दरों में आप राष्ट्रीय बीज निगम पूर्णिया और उससे संबंधित जितने भी हमारे अधिकृत विक्रेता हैं उनके यहाँ उचित दाम पर इसको ले सकते हैं। और साथ साथ कहना यह है कि जो किसान मुख्यतः जिनकी भूमियों में पानी भर जाता है या लंबे समय तक पानी लगा रहता है उनके लिए यह वैरायटी एक वरदान की तरह है और मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप इसको अवश्य से अवश्य लगाएं। और राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यालय में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यालय है, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।